श्री राधे राधे टू माई ऑल व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं डीटेट पर्सनलिटी सिटी की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बुक लिस्ट के बारे में, बुक्स के नाम के बारे में और यूट्यूब चैनल्स के बारे में। सो, आप में से किसी ने मुझसे पूछा भी था बुक लिस्ट के नेम के बारे में और किस यूट्यूब चैनल से कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करें, वो भी पूछा था। सो, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सो, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक कोट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। ट्राइंग नाउ इज बेटर देन क्राइंग लेटर। सो देखिए, आप इसका मीनिंग समझिए कितना डीप मीनिंग है। और मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ, मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि कोशिश तो कीजिए, आगे सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो बाद की बात है। कहते हैं ना, लक का काम मेरे लिए, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि लक हमारे लिए 1% काम करता है, 99% हमें खुद हमारी खुद की मेहनत होती है। तो बाद में रोने से, बाद में गिल्ट फील करने से अच्छा है कि अभी आप कोशिश करिए। और देखिए, जब आप ईमानदार से कोशिश करेंगे ना तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ बुक्स के बारे में और कुछ यूट्यूब चैनल्स के बारे में। सो, देखिए, आप लोग मुझसे पूछते हो कि ना बुक लिस्ट के बारे में आप बताइए, तो ऑनेस्टली मेरे पास कोई बुक नहीं है। मेरे पास एक भी बुक नहीं है। आपने वीडियो में देखा भी होगा कि मैं कभी बुक से पढ़ाई नहीं करती, मैं हमेशा नोट्स से ही पढ़ती हूँ। और मेरे पास बुक क्यों नहीं है, इसका भी एक रीज़न है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था लास्ट टाइम, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था पीजीटी का, तो मैंने बुक खरीदी थी, मैंने अरिहंत की बुक खरीदी थी। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंची और जब मैंने एग्ज़ाम का पैटर्न देखा, तब मुझे पता चला कि यार, मतलब बुक तो मैंने खरीद ली, उस टाइम मुझे नहीं पता था तो मैंने मंगवा भी ली बुक। लेकिन जब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखा तो लगा कि यार, मैंने तो इतना कुछ पढ़ा ही नहीं उस बुक में, मतलब इतना कम पढ़ा है और ये इतना ज़्यादा है, ये कैसे हो गया। और अभी जब मैंने यूट्यूब ये चैनल शुरू किया था, जब मैंने स्टडी चैनल ये शुरू किया था, उस टाइम मैं पीजीटी की प्रिपरेशन कर रही थी और उस टाइम मेरे पास टाइम मुझे लगा कि कम है, तो मैंने बुक नहीं खरीदी। क्योंकि अगर मैं बुक खरीदी तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता और इतना टाइम उस टाइम मेरे पास था नहीं। और फिर मुझे बुक ना इतनी मुझे सही भी नहीं लगती, मतलब मेरे लिए बुक कम्फर्ट मुझे नहीं लगती। क्योंकि देखिए, डीटेट पर्सपी का जो सिलेबस है ना, वो कोई ऐसा नहीं है आरपीएससी की तरह कि आपको एक करेक्ट सिलेबस दे दिया जाएगा और उसमें से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना, इतना तो आप भी जानते हो। तो इसलिए मैंने पीवाईक्यू से मैंने टॉपिक नोट डाउन किए हर एक सब्जेक्ट के, और हर दिन का मेरा एक टारगेट रहता है कि आज मुझे ये पढ़ना है सब्जेक्ट से और कल मुझे ये पढ़ना है। तो हर दिन मैं ये टारगेट रखती हूँ और वो टॉपिक अगर मेरे पास पहले से नोट्स बने हुए हैं, जैसे कि लिटरेचर, मैंने आरपीएससी स्कूल लेक्चर का एग्जाम दिया था, तो वहां से अगर इंग्लिश लिटरेचर में मेरे वो टॉपिक सेम है तो मैं वहां से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि आरपीएससी के टाइम मैंने नोट्स बनाए थे। और वो नहीं है सेम, तो फिर मैं एक काम करती हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे ही मैं सर्च करती हूँ। और एक कोई ऐसा स्पेसिफिक चैनल नहीं है कि मैंने एक चैनल को ही देखा और मैंने उसमें से सारे वीडियोज ले लिए, नहीं। मैं ये देखती हूँ कि कौन से टीचर की लैंग्वेज मुझे समझ में आती है और मेरे लिए वो ईजी है, और बस मैं वही वहां से मैं नोट्स ना मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और फिर मैं जाती हूँ गूगल पर। अगर उसमें से एक्स्ट्रा कोई बात है तो मैं वो भी नोट डाउन कर लेती हूँ। और इस तरह से मैं अपने नोट्स बनाती हूँ और मैं नोट्स से ही पढ़ाई करती हूँ, मेरे पास कोई बुक नहीं है। आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप अध्ययन मंत्रा की बुक ले सकते हैं, क्योंकि देखिए, मैंने एक दो वीडियोस देखे थे तो मुझे वो उनकी लैंग्वेज और उनके समझाने का तरीका अच्छा लगा। और बाकी मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि आप कहीं से भी कोई भी बुक लो तो कोई और कुछ बताता है ना, तो आप उन पे बिलीव कम करके और आप ये देखो कि उस बुक की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है क्या। बताने के मैं आपको बहुत सी बुक के बारे में बता देती हूँ, लेकिन आप लोग क्या पता आपकी वो लैंग्वेज समझ में ना आए, ये भी तो होता है ना। तो बुक की लैंग्वेज जहाँ आपको समझ में आ जाए ना, बस वही बुक बेस्ट है। देखो, पैटर्न सेम होते हैं, पैटर्न में कुछ गलत नहीं होता है ना, और एक दो गलती तो हर बुक में आपको मिल ही जाएगी। तो देखिए, हर चीज वही देखनी चाहिए। यूट्यूब चैनल भी अगर आप देखते हो तो वही देखो जहाँ पे आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है। आप भीड़ के पीछे मत भागो
कि अध्ययन मंत्रा वाले ऐसा पढ़ा रहे हैं, अड्डा वाले ऐसा पढ़ा रहे हैं, तो हम वहां जाते हैं, नहीं इतने लोग वो देखते, नहीं ऐसा मत करो। अब वो देखो कि किस टीचर की लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, वहां पे आप जाके आप पढ़ाई करो। सो मेरा तो यही मानना है, आगे आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से। और एक और मैं बात बताती हूँ कि देखिए बुक ना 3-4 खरीदने से बेहतर है, एक बुक ही अगर आप खरीद लोगे तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि एक बुक को अगर आप 10 बार पढ़ लोगे और 10 बुक को अगर आप एक एक बार पढ़ोगे ना, तो वहाँ कोई फायदा नहीं है। जबकि आप एक बुक को 10 बार पढ़ लोगे ना, तो वो आपके लिए फायदे वाली बात है। तो जितना कम हो सके उतना कम मटेरियल रखें, ज्यादा ना। सो देखिए अगर साइंस मैथ के बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो साइंस मैथ के लिए मेंटर 365 नाम से चैनल है, सौरभ यादव सर है। आप एक बार उन सर का जो वीडियोस है आप एक बार देखिए, अगर आपकी समझ में है तो अच्छी बात है। मैंने देखा था, मुझे सही लगा, तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और स्टडी 91 नाम से चैनल है, जो कि हिंदी के सर है, नितिन सर नाम से है। सो यहाँ पे पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि मैं यहाँ किसी चैनल या किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रही, आप में से किसी ने मुझसे पूछा था, बस मैं वही बता रही हूँ। सो ये जो स्टडी 91 है ना, नितिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और स्पेशली इनके जो क्वेश्चंस होते हैं जब ये रिवीजन करवाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी बेस्ट होते हैं। और एक है मोहित शुक्ला सर का चैनल, तो MSSCC नाम से है उनका चैनल, तो आप वो भी आप देख सकते हैं। और ये वही चैनल है जहाँ से मैं पढ़ाई करती हूँ। और कल की जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जो मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, उसका लिटरेचर वाला जो पार्ट है उसका मैं डिटेल सिलेबस बताऊंगी। सो अगर आप में से किसी का सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, तो कल जो वीडियो आएगी वो आप जरूर से देखें। और रही बात इंग्लिश ग्रामर की, सो देखिए इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक होता है ना, वो टॉपिक मैं सर्च करती हूँ। कभी मेरे रानी मैम से, अगर मुझे रानी मैम की लैंग्वेज समझ में आ रही है उस टॉपिक की, तो मैं वहाँ से देख लेती हूँ, अदरवाइज मैं और भी कहीं से भी देख लेती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने एक दो बार बस रानी मैम की वीडियोज़ देखे हैं अभी तो। सो अगर आप चाहते हो तो आप वो देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। आपका एक कमेंट और आपके एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और जो भी आपकी क्यूरियस है मैं कोशिश करूंगी वो पूरी करने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।